सभी दर्शकों को मेरा सादर सेवा जोहार। क्रांतिकारी जयलंग केस बना के रहेंगे गुणवाना। सगजन, आज मैं आप लोगों के बीच में हमारे इस भादो के माह में भादो की उजियारी पक्ष में मनाए जाने वाली बहुत बड़े एक पर्व के बारे में बताना चाहता हूँ, कर्मा महोत्सव, जिसे कर्मडार पूजा, कर्माडार पूजा के नाम से भी मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कर्मा महोत्सव एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी समाज में। वास्तविकता में एक्चुअली यह कर्मा महोत्सव क्या है और कर्मा क्यों मतलब नाचा जाता है, इसके बारे में आप लोगों को बता दें। एक हमारे छत्तीसगढ़ में ये भी एक कहावत है कि करथन धान कोदो कुटकी की खेती, करथन धान कोदो कुटकी की खेती और कर्मा ददरिया, यही आवे हमारी संस्कृति, यही आवे हमारी संस्कृति। अर्थात कि हमारे आदिवासी समाज कर्मा नाच नाच करके, कर्मा गा करके इस प्रकृति शक्ति को रिझाने का जो काम करते हैं, प्रकृति शक्ति को और अपने समाज को एक सूत्र में बांधने का जो काम करता है, वह क्या है? हमारा संस्कृति। आदिवासी समाज जाना जाता है तो संस्कृति की वजह से जाना जाता है, पहचाना जाता है। सगाजनों, आज इसी संस्कृति के ऊपर हम बात करेंगे। हम हमारे जो सियान लोग जो कर्मा की गीत गाते हैं, जो ददरिया गाते हैं, जो रीला गाते हैं, जो पाटा गाते हैं, सैला गाते हैं, बिरह गाते हैं, उसमें हमारी जो पूरे तमाम इतिहास, हमारे प्रकृति की जो व्यवस्था बनी है, समाज की जो व्यवस्था बनी है, उसका जिक्र किया जाता है, उसका उल्लेख किया जाता है उस गीतों में। और हमारी संस्कृति वहाँ ऐसे शुद्ध रूप में दर्शाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है उस कर्मा ददरिया के माध्यम से। और जब हमारे समाज कर्मा महोत्सव के पर्व आता है तो भादो के माह में नाचते हैं। अब रही बात कि कर्मा महोत्सव भादो के माह में ही क्यों मनाया जाता है, और यह कर्मा महोत्सव मनाने के पीछे एक रहस्य क्या है, तो सगाजन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब कर्मा, जो एक हरियाली जिसे हम मध्य प्रदेश में नारबोध पूजा के रूप में करते हैं, यानी जब हमारी जो अन्न जो माता है, जिसे हम अन्न को माता के रूप में मानते हैं, वह अन्न जो माता है हमारी, और उस अन्न जो धान है, जो फसल है, वह जब हमारे द्वारा बोया जाता है, अब बोने के बाद जब वो गर्भधारण करती है, तो एक गर्भ महोत्सव के रूप में, नारबोध महोत्सव के रूप में कर्मा का उत्सव भादो के माह में मनाया जाता है। क्योंकि बहुतायत क्षेत्र में भादो के माह में ही मतलब धान की फसल में जो बोध आता है, नारबोध आता है, यानी उसका जो गर्भधारण बढ़ता है, और उस अन्न को सेवा करते हैं हमारे समाज, और उस प्रकृति शक्ति को मतलब जोहार करते हैं कि हे प्रकृति, आज आपके देह से हमारा जो फसल लहलहा रही है, और जो उसके जो गर्भ में जो हमारे अन्न हैं, वह सही रूप में फले फूले, इस प्रकार से हमें आशीर्वाद दो। आपकी जो कर्म है, हमारा जो कर्म, यानी जिस प्रकार से हम कर्म करके उसको बोए हैं, और जिस आस्था से, जिस विश्वास से हम उसको बोए हैं, फसल को उगाए हैं, तो वो हमारा विश्वास सफल हो, इस प्रकार से उस प्रकृति शक्ति को वरदान मांगते, प्रकृति शक्ति को और जो आशीर्वाद मांगते हैं, जोहार करते हैं। इस प्रकार से इस कर्मा का उत्सव भादो के माह में ही भादो के माह में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में इसी को नारबोध के रूप में मानते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भिन्न भिन्न नामों से इसका गोंगो किया जाता है, माना जाता है हमारे। अब इसमें कर्मा नृत्य ही क्यों नाचा जाता है, क्योंकि कर्म से कर्मा, दया से ददरिया, सुमत से सुआ, अर्थात कर्म करने की जो व्यवस्था बनी है, कर्मा गीत में कर्म की उल्लेख किया जाता है, और ददरिया, जब ददरिया के गीत अलग अलग
पर्व में अलग अलग गीतों का उल्लेख होता है। इसी प्रकार से जब दया के ददरिया जिस प्रकार से मातृशक्तियाँ जब जंगल में जाती है फिर खेत में धान लगाती समय ददरिया गाती है, तो उस ददरिया का प्रभाव जो हमारे अंतर मन में आत्मसात किए हैं हमारी मातृशक्तियाँ, वो जब गाती हैं हमारे पूर्वज लोग, तो वह जो गीत है, जो उनका रुदन है, जो उसका ध्वनि है, वह उस प्रकृति को रिझाने का काम करती है। और उसी से जो प्रकृति शक्ति में जो हमारी माइंड पावर, जो हमारा मस्तिष्क का पावर उस प्रकृति शक्ति को टच करती है, जिससे हमारा जो आत्मबल बढ़ता है और जो हमारी सामाजिक व्यवस्था जो जो हम करते हैं सामाजिक एक परंपरागत खेती, उसमें भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारे समाज प्रकृति से माइंड टू माइंड बातचीत करने की जो एक पद्धति बनाई, वही पद्धति को हम इस संस्कृति यानी कर्मा ददरिया गीत संगीत के माध्यम से नाचते हैं। गीत संगीत के माध्यम से नाचते हैं और ऐसी लोकल डिस्को डांस करो, मजा लो, मस्ती करो, इस प्रकार से हमारा गीत संगीत नहीं है। हम जब मग्न होकर के हमारे समाज जब अपना परंपरागत संस्कृति के ऊपर जो गीत संगीत है उसमें जब हम मग्न होकर के साथ करते हैं, जब हमारे समाज और धारण करके जब हम कर्मा ददरिया रीला पाटा सुवा जब बिरा जब गाते हैं नाचते हैं, तो ऐसा लगता है कि डायरेक्ट हम प्रकृति से बात कर रहे हैं, अपने पूर्वजों से बात कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे मन में वो भाव आता है, हमारे दिमाग में भाव आता है और उसी के धुन में हमारे समाज प्रकृति के आधार पे थिरकते हैं और प्रकृति को रिझाने का काम करते हैं। इस प्रकार से हमारी जो संस्कृति रही है और जिसे हमारा समाज मानते आ रहे हैं, और आप सभी सगाजनों को इस कर्मा महोत्सव की और कर्मा डार पूजा की आप सभी को सादर सेवा जोहार। अपने संस्कृति को मानिए, अपने व्यवस्था को पालन कीजिए, अपने रहन सहन बोली भाषा संस्कृति इतिहास समाज सभ्यता लिपि और इस परंपरागत खेती को भी अपनाइए, तभी आपका विकास होगा। कभी भी हो आप अपने समाज के लिए समय दीजिए, अपने संस्कृति को मानिए, रोज ना तो एक दिन ही सही अपने पेन पूर्वज को बिल्कुल अर्जी विनती कीजिए, क्योंकि वह हमारे डीएनए में है, और अपने डीएनए को जागृत कीजिए। और जब डीएनए जागृत कब होगा, जब आप अपने पेन पुरखा को मानेंगे। सगाजन इतना कह करके मैं आप सभी को सादर सेवा जोहार करता हूँ। क्रांतिकारी जय लंकेश, जय करमसेन राजा, जय भोरम राजा।